औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा मैंने एक नुस्खा पहले जो ईद की नज़र किया दोस्तों को रस कपूर और निशादर और अपना जिस्त के तेल का, उनके उस पर भी लोहे का आदमी ने एतराज़ किया ये नुस्खा बनता ही नहीं। जब बनाना ही नहीं तो उसने बनना क्या है, नहीं? मैं बेवकूफ़ हूँ जेड़ा ऐसे नुस्खे में बता देता हूँ एक महीने में, तो मैं झूठा हूँ, ये लोग सब सच्चे हैं। तो चलो जैसे किसी की मर्जी, फिर नुस्खा मैंने दिया है ना, सिक्के से संदूर बनाना, ये भी कोई आम नुस्खा नहीं है, अच्छा नुस्खा इसको समझने वाले लोग समझते हैं। फिर एक आदमी पूछ रहा है ऐसा कि ये इसको करना क्या है, जिसको इतना ही इलम नहीं है कि संदूर से काम क्या लेना है, तो वो मेरे ख्याल में तो कीमिया का शौक ना करे। दूसरी बात जनाब के दो चार आदमी भाइयों ने मतलब ना ये काफ़ी दफ़ा तांबा सफ़ेद के बारे मुझे कहा है, पहले मैं एक दो वीडियो तांबे की डाली हुई है, अगर उसमें कोई अच्छा लगे तो वो कर लेना, तो मैं आज फिर एक नुस्खा दे रहा हूँ, इसको गौर से समझें और इसको पढ़ें, फिर उसके बाद ये नुस्खा अच्छा लगे तो कर लें, ना लगे तो फिर बार बार जरा मतलब इस तरह परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो तांबा एक तोला बुरादा ले अच्छी किस्म का, तो दतूरे का रस निकालें 10-15 तोले, इसमें ये खरल करना है, जब ये पानी खुश्क हो जाए ख़त्म हो जाए तो इसको 10 किलो उपलों की आग देनी है बंद, सर्द होने से इसको निकाल लें, निकाल कर फिर जनाब जो शाखे किक्कर बबूल, यानी कि बबूल भी बोलते हैं किक्कर भी इसी बोलने हैं, जो नरम नरम ना शाखें उसकी हैं, उसका शाख उतार कर उसका रस निकालें, निकाल कर वो भी तकरीबन 10-15 तोले होना चाहिए, ये इसमें दोबारा खरल करें, जब ये पानी में ऐसे खुश्क हो जाए खरल करते करते, तो फिर इसको 10 किलो की आग देनी है बंद। ऐसे ही अमल एक दोबारा फिर इसी किक्कर के पानी के साथ करना है। ये तीन अमल हो गए आपके, एक अमल आपने हूँ ऐसा करना है कि घी को आर लेकर ना जी उसमें आखिर में उसमें ये बुरादा जो है उसको मैं खरल करें, खरल करके तकरीबन उसमें भी वो आधा पाव खर्च हो जाए या हो जाएगा रस, या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, वो ऐसी बात कोई नहीं, तो उसमें खरल करके तो उसको खुश्क हो जाए तो बंद करके इसको 10 किलो की आग दें, ये बरंग सफ़ेद कुछ तो बरामद होगा नहीं? तो इससे काफ़ी लोग कहते हैं जी इसी फलां काम करना है, फलां काम करना है, वो आगे तो जैसी आपकी मर्जी है वैसे वो कर सकते हैं नहीं? ये आज के लिए जनाब ये एक तांबे का कुश्ता जो मैंने दोस्तों की फरमाइश के साथ जनाब मैं दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा और दिल लगेगा नहीं? तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नसीब करे, जो बंद आदमी करेगा वो उसको भी इस चीज़ का कदर होगा, जो नहीं करेगा उसको क्या पता है। अल्लाह हाफिज़।